सुंदरता का हूं प्रतीक। मैं प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त ऋतुओं के आगमन गहनों की खनक। मैं श्रृंगार रस रसों में श्रेष्ठ हूं। मैं रसों का ताज, मैं अलौकिक प्रेम कला व सुंदरता का हूं प्रतीक। मैं प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त ऋतुओं के आगमन गहनों की खनक। रिश्तों में प्रेम की नाजुक डोर मधुर बोली में शामिल हूँ। मुझसे ही तो अनुपम सौंदर्य से युक्त सृष्टि है। मैं मनुष्य जीवन में ही नहीं देवी देवताओं के जीवन में भी महत्व रखता हूँ, इसीलिए मैं हुआ सर्वश्रेष्ठ। मैं वात्सल्य, वात्सल्य मतलब प्रेम स्नेह ममता। मैं माँ की ममता में, भाई के प्यार में, पिता के दुलार में पाया जाता हूँ। मैं ही सभी में कोमलता की भावना का संचार करता हूँ। मैं नहीं होता तो मनुष्य में स्नेह का अभाव होता, इसलिए मैं ही हूँ सर्वश्रेष्ठ। जीवन का आधार हूँ, अर्थात मानव जीवन के अनुभव में दुख संताप पीड़ा वेदना निराशा आदि भाव उद्वेलित होते हैं। जब मेरी उत्पत्ति होती है, किसी छोटे बच्चे को भूख से विलकता देख उपजी करुणा, गंभीर बीमारी से पीड़ित मनुष्य को देखकर उपजी संवेदना, विवाह के पश्चात बेटी की विदाई का दर्द, सभी में मैं विराजमान हूँ। तो मैं हुआ ना मानव जीवन का अति महत्वपूर्ण रस। बस शांत शांत शांत, इतनी उत्सुकता इतना कौतूहल किस लिए है? मैं हूँ शांत रस, धीरता गंभीरता का परिचायक। मैं व्यक्ति को स्थिरता प्रदान करता हूँ, जीवन को जीना सिखाता हूँ। संपूर्ण पृथ्वी को जिसकी जरूरत है वो मैं हूँ। हमारा देश जिसका अग्रदूत रहा है वो मैं हूँ, इसलिए मैं हूँ सर्वश्रेष्ठ। अरे अरे अरे, तुम सब तो विध्वंसक हो, लेकिन मेरा काम जीवन में उत्साह भरना है। मैं वीरता बहादुरी व आत्मविश्वास को दर्शाता हूँ। मैं सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ। मेरे स्रोत हिम्मत दृढ़ता आशीर्वाद और स्थिर मस्तिष्क ना केवल युद्ध भूमि में वरन आम आदमी की दिनचर्या में भी नजर आते हैं। वीर गाथाएं शौर्य गाथाएं मेरी पहचान बतलाती हैं। अरे मैं हूँ हसी का खजाना, अधूरेपन व असंतोष से भरी दुनिया में यदि मेरा हाथ कोई थामेगा तो सभी मुश्किलें आसान लगने लगेगी, सभी तनाव मुक्त हो जाते हैं मेरे संपर्क में आकर। जरा सोचिए तो सही, अगर मैं नहीं होता तो आप सभी का जीवन कैसा होता? जैसे समोसा बिना आलू, चटनी के बिना चाट और चांद के बिना रात। मुझ में हर उलझन को सुलझाने का जादू है, क्योंकि मैं हूँ हंसी का खजाना। मैं विभत्स, मैं आप सभी को अच्छे बुरे की पहचान कराता हूँ, स्वच्छता व अस्वच्छता में भेद बताता हूँ। मैं हूँ तभी व्यक्ति अपने अस्तित्व को पहचान पाता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सुजामयम्। जब जब मनुष्यता की हानि हुई है तब तब मैं ही आदर्श की स्थापना करने के लिए अपने रौद्र रूप में आया हूँ। तो मैं हुआ ना सर्वोत्तम। अरे अरे, मैं अद्भुत रस हूँ यानी आश्चर्य। मैं भावुकता विस्मय दिव्य दर्शन चमत्कार अनोखापन जिनकी केवल कल्पना की जा सकती है, इन भावों के द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ। आप ध्यान से देखेंगे तो चारों ओर मुझे ही पाएंगे। मैं व्यक्ति के अंदर सीखने की इच्छा ला जगाता हूँ। अरे अरे अरे, ये लड़ाई किस लिए है? हाथ कंगन को आरसी क्या? चलो अभी देख लेते हैं कौन श्रेष्ठ है और बाकी जनता पे छोड़ देते हैं।